द बुद्धा, जिसे सिद्धार्थ गौतम, गौतम बुद्धा या बुद्ध साक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, एक दार्शनिक, विद्वान, ध्यानी, आध्यात्मिक शिक्षक और प्राचीन भारत में रहने वाले एक धार्मिक नेता थे। यानी वे दुनिया बनाने वाले ईश्वर नहीं थे, लेकिन ईश्वर से भी अच्छे और प्रभावशाली इंसान थे। तो इनमें ऐसी क्या बात थी जिस वजह से हम आज भी उन्हें सत सत नमन करते हैं? जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। साक्य वंश की राजधानी कपिलवस्तु में सिद्धोधन नाम के एक राजा रहते थे, जो आज का भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। कहा जाता है कि राजा सिद्धोधन की पत्नी रानी मायावती को सपने में कुछ संदेश मिले थे। इस संदेश को राजा स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 पंडितों को बताए और उन्होंने राजा को स्वप्न का अर्थ बताते हुए कहा कि उनके घर में एक पुत्र संतान का आगमन होने वाला है। यदि वो घर में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और यदि वो सन्यासी हुआ तो बुद्ध बनकर इस समस्त संसार को मार्गदर्शन देगा। इसके कुछ ही दिन बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, एक उपवन में, लुम्बिनी उपवन। कहा जाता है कि उस वक्त पूरा ब्रह्मांड भगवान बुद्ध की स्वागत कर रहे थे। राजा सिद्धोधन चाहते थे कि राजकुमार समय आने पर वंश को आगे बढ़ाए और एक महान राजा बने, जिस वजह से राजा सिद्धोधन पुत्र गौतम के लिए सभी सुखों से परिपूर्ण एक राजमहल का निर्माण किए थे। वहां दुनिया के सभी सुखों की चहल पहल थी, और जब सिद्धार्थ मात्र 16 साल के थे तब उनकी शादी रानी यशोधरा से कर दी गई थी। कुछ वर्ष पश्चात उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया राहुल। दोस्तों, सिद्धार्थ गौतम वे राजकुमार थे जिन्होंने अपने जिंदगी के 29 साल महल के 4 दीवारियों में हर संभव सुख शांति के साथ व्यतीत किया, बाहरी दुनिया से पूरी तरह अनजान। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ उस महल से बाहर निकलने का इच्छा व्यक्त किए। वे दुनिया को करीब से जानना चाहते थे। अपने सारथी छन्ना के साथ सिद्धार्थ गौतम नगर भ्रमण करने निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा और उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है। अजीब बात है ना, उन्होंने आज तक बूढ़ा इंसान नहीं देखा था। खैर, सारथी ने अपने जवाब में कहा कि सभी इंसानों को कुछ विशिष्ट आयु के पश्चात बूढ़ा होना पड़ता है, और कुछ वर्ष पश्चात आप भी बूढ़े हो जाएंगे। फिर कुछ दूर जाने पर उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखा। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है। सारथी ने कहा कि उसे कुष्ठ रोग हुआ है, वो उस वेदना को सह नहीं पा रहा है। हर वो इंसान जो बूढ़ा होता है उसे बीमारियां भी होता है। फिर कुछ दूर जाने पर उन्हें एक मृत व्यक्ति दिखा। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है। सारथी ने बताया कि महाराज, उसका प्राण पखेरु उड़ गया है, वो अब जिंदा नहीं रहा। हर इंसान को एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है, यही जीवन की आखिरी सच्चाई है। इसके बाद सिद्धार्थ महल को वापस लौट रहे होते हैं और तभी बीच रास्ते में उन्होंने एक महात्मा को ध्यान की अवस्था में देखा। फिर मन में जिज्ञासा हुई और सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति ऐसे आंख बंद करके क्यों बैठे हैं। सारथी ने कहा, कुमार, ये ध्यान में बैठे हैं, ये भगवान को खोज रहे हैं, क्योंकि भगवान ही हमारे सारे दुखों को दूर करते हैं। फिर सिद्धार्थ राजमहल में लौट आए, किंतु सिद्धार्थ के मन में वो सभी बातें घर कर बैठी थी। वे उस सच्चाई को खोजना चाहते थे जिनमें जीवन के जवाब छिपे थे, और अंत में उन्होंने राजपाट त्याग कर वहां से निकल पड़े, एक ऐसे सफर में जो बहुत ही कठिनाई भरा था। नए रास्ते और दिशाओं में चलते हुए सिद्धार्थ एक ध्यान सिखाने वाले गुरु से मिले। कहते हैं कि इस गुरु को ऐसा उज्ज्वल और बुद्धिमान शिष्य पहली बार मिला था। उन्होंने सिद्धार्थ को कहा, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए तुम्हें उपवास रखना होगा। उन्होंने एक दिन कहा था और सिद्धार्थ 3 दिन रहे। चौथे दिन आके बोलते हैं, और क्या करूं। गुरु ने कहा, अब पानी भी छोड़ दो, बिना पानी के उपवास करो। वो सब करने को कहने लग गए जो उसने खुद कभी नहीं किया था, परंतु सिद्धार्थ एक उत्तम शिष्य के भांति जो आदेश दिया जाता वो सब करते रहे। उनकी उस पीड़ा और कठोर साधना को देखते हुए उन झूठे गुरुओं के मन में भी करुणा जागा, और उन्होंने सिद्धार्थ को कहा कि आप जो खोज रहे हो वो हम तुम्हें नहीं दे सकते। और फिर सिद्धार्थ
एक आश्रम से दूसरे आश्रम, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु, करते करते 6 साल बीत जाता है। तपस्या करते करते शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। इतने घोर तप को देखते हुए 5 साधु इनके शिष्य हो गए। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति बुद्ध बनेंगे, ये जरूर सत्य की खोज करेंगे, और यदि इस प्रक्रिया में वो उनके साथ जुड़े रहें तो उन्हें भी विवेक और ज्ञान की प्राप्ति होगी। भगवान बुद्ध ये मानते थे कि बाहर के युद्ध को जीतने से पहले पहले अपने अंदर के युद्ध को जीता जाए। एक दिन सिद्धार्थ अपने आखिरी आश्रम से निकल पड़े अपने भीतर के इस युद्ध को जीतने के लिए, और उनके पीछे पीछे चल पड़े थे 5 भिक्षु। वे बिहार के उरुमिलाम नामक एक गांव जा पहुंचे। बिना कुछ खाए पिए निराहार रहते हुए तपस्या आरंभ कर दिया। सिद्धार्थ अपने आप को कठोर यातना दे रहे थे, स्वयं को परीक्षा की चरम सीमा तक ले जाना चाहते थे। एक दिन तपस्या करते हुए सिद्धार्थ अचेत हो गए, और तभी सुजाता नामक एक लड़की ने उन्हें खीर दान किया था। उसने कहा था कि अगर हम वीणा के तार को ज्यादा कस देंगे तो वो टूट जाएगा, और यदि उसे ढीला छोड़ देंगे तो उसका सुर नहीं निकलेगा। इस बात को सुनने के बाद सिद्धार्थ गौतम, जो एक भी दाना मुख में नहीं डाल रहे थे, वो स्वयं इस देवी से खीर स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि सुजाता एक निम्न जाति की थी, अछूत थी, उसने ये कहा भी था, लेकिन बुद्ध ने कहा कि तुम मेरे लिए निम्न जाति की नहीं हो, तुम मेरे लिए ज्ञान की देवी हो, और उनके हाथों से खीर ग्रहण किए थे। अब ये देखने के बाद 5 भिक्षु उनका साथ छोड़ देते हैं। सिद्धार्थ ने उन्हें लाख समझाया कि शरीर को सुखाने से सत्य नहीं मिलता, मध्य मार्ग में चलना है, ना शरीर को बहुत तड़पाना है और ना शरीर को बहुत भोग में ले जाना है, मध्य मार्ग में चलना है। लेकिन 5 भिक्षु माने नहीं और सिद्धार्थ को झूठा गुरु बताकर वहां से चल दिए। इसके बाद सिद्धार्थ निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे दृढ़ संकल्प के साथ तपस्या आरंभ कर दिया। कहा जाता है कि उनका ध्यान तोड़ने के लिए दानवों के प्रयत्न चल रहे थे, किंतु अप्सराएं भी उनका ध्यान भंग नहीं कर पाए। फिर दानवों के सारे राक्षस उनमें टूट पड़े, किंतु सिद्धार्थ का ध्यान अखंड चलता रहा। करीब 40 दिन बाद पूर्णिमा के दिन उन्हें अंतिम ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके हर प्रश्नों का जवाब मिला, वे बुद्ध कहलाए। वो पीपल का पेड़ आज बोधि वृक्ष और जगह बोधि गया के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के कहने पर बुद्ध ने अपने विचारों को जन समूह तक पहुंचाए थे। बुद्ध ने एक धर्म संघ की स्थापना की थी और अपने पहले 60 भिक्षुओं को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजे ताकि वे लोगों से मिले और बुद्ध के विचारों को जन समाज तक पहुंचा सके। उन्होंने जिस विचारधारा को स्थापित किया वो आज विश्व का 4था सबसे बड़ा धर्म है, बौद्ध धर्म। बुद्ध की शिक्षा का प्रसार मौखिक रूप में हुआ। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बुद्ध की मृत्यु के बाद भारत के महान साम्राज्य के निर्माता सम्राट अशोक ने विनाशकारी कलिंग युद्ध के तबाही के बाद बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे, और इसके साथ ही समूची महाद्वीप में बुद्ध की शिक्षा का प्रसार हुआ। बुद्ध भारतीय इतिहास के पहले ऐसे जटिल व्यक्ति हैं जिन्हें पहचान और मान्यता मिली। क्या आप बुद्ध के विचारों के बारे में जानना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, तो करो, अब तुम्हारी बारी। थैंक यू।